हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वाली कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सबकी फेवरेट पानी पूरी। लॉकडाउन में अगर हम सभी ने किसी चाट डिश को मिस किया होगा तो वो है पानी पूरी। पर फिलहाल के सिचुएशन में बाहर जाके पानी पूरी खाना इस अनहाइजेनिक, तो क्यों ना हम पानी पूरी घर पे ही ट्राई करें कुछ इजी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप बारीक सूजी। ध्यान रहे, पूरी बनाने के लिए हमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। 4 टेबलस्पून मैदा, तेल, नमक, 150 ग्राम सफ़ेद वाटाना, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पूरी बनाने की प्रोसीजर। सबसे पहले हम पूरी के लिए लगने वाला आटा बना लेंगे। एक बाउल में मैंने बारीक सूजी ले ली है। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। मैंने इसका सेमी सॉफ्ट डो बना के ले लिया है। अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक के लिए हम रगड़ा बना लेते हैं। कुकर में मैंने वटाना ले लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। मिला लेंगे इन्हें अच्छे से। अब हम इसे कुकर में 4 सीटी होने तक पका लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए आटा थोड़ा सख्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रिंकल करेंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से घूम लेंगे। हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे हमें बॉल्स बनाने हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह। आप चाहे तो एक बड़ा बॉल बना के बड़ी रोटी बेल के उसकी छोटी छोटी पूरियां भी निकाल सकते हैं। इस तरह हमें सब के बॉल्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ आटे के कुछ बॉल्स बना के ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लेंगे और इसकी बहुत ही पतली पूरी हम बेलेंगे। बहुत पतला बेलना है हमें इसे। बिल्कुल इसी तरह आपको सभी आटे की पूरियां बेल लेनी है। पूरियां मैंने बेल के ले ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करके ले लिया है। अब हम इसमें एक एक करके पूरी छोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, पूरी छोड़ने के बाद हम इसे ऐसे दबा के रखेंगे ताकि पूरी अपने आप फूल कर ऊपर आ सके।
आप देख सकते हो कि पूरी बहुत अच्छी फूल के ऊपर आ रही है। बस हमें इसे ऐसे दबा के रखना है। आप देख सकते हैं कि पूरी यह अच्छे से फूल के ऊपर आ चुकी है। अब हम इन्हें फ्लिप करेंगे। कलर भी आप देख सकते हो, हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं हमारी पूरियां दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और इसी प्रोसीजर से हम बाकी की पूरियां भी फ्राई करेंगे। हमारी सभी पूरियां फ्राई हो चुकी है और ये ठंडी भी हो चुकी है। अब मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। आप देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब हम रगड़ा बना लेते हैं। 4 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और कुकर को पूरा ठंडा करके ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो वटान है वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का हल्का मैश करना है। रगड़ा मैंने बाउल में निकल के ले लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर और इन्हें मिक्स कर लेंगे। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब वटाने पकने के लिए रखे थे तब हमने इसमें नमक ऐड किया था। हमारी पूरियां भी रेडी है और रगड़ा भी रेडी हो चुका है। अब हम पानी पूरी के लिए लगने वाला तीखा पानी और मीठा खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। पहले हम तीखा पानी बनाएंगे। तीखा पानी के लिए जो चटनी लगती है उसकी रेसिपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करूंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में ये चटनी ले लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी भी मिला सकते हैं। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अब हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देते हैं 1/4 चम्मच। अब हम इन्हें मिला लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसमें खारी बूंदी भी ऐड कर सकते हो। हमारा तीखा पानी रेडी हो चुका है। अब हम इमली का खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। खट्टा मीठा पानी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इमली की चटनी यूज़ कर रही हूँ। इमली की चटनी के भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अब हम बाउल में इमली की चटनी ले लेते हैं, पानी मिला देंगे इसमें भी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें भी हम 1 चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। अच्छे से मिला लेते हैं इसे भी। हमारा खट्टा मीठा पानी भी रेडी हो चुका है। अब हम पानी पूरी सर्व करेंगे। हमारी पानी पूरी की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब हम पानी पूरी बनाएंगे। एक पूरी ले लेते हैं, उसे ऐसे उंगली से होल कर देते हैं। फिर हम उसमें रगड़ा ले लेंगे। फिर मीठा पानी में इसे ऐसे डीप करेंगे। फिर तीखे पानी में इसे ऐसे डीप करेंगे और इसे प्लेट में लेकर सर्व करेंगे। तो
तैयार है हमारी आज की डिश, बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी फेवरेट पानी पूरी। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।